So we will start with a new topic today, that is conductors and insulators. So conductors and insulators का maximum theory आपको पता ही है, because हमने जब जब states of matter की बात की है तो every time I have told you in detail, if you remember of course. नहीं याद होगा तो वापस एक बार बता देता हूँ, but you must remember this basic idea. 11 में भी हमने जब इलास्टिसिटी, मतलब अगर याद होगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उसके बाद थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके बाद सेमी कंडक्टर्स, तो हर एक टॉपिक में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कौन से टाइप का मटेरियल कंडक्टर होता है, कौन से टाइप का मटेरियल इंसुलेटर होता है, उसमें फ्री चार्जेस कौन होते हैं. बट आई जस्ट क्विकली रिपीट, तो यू ऑलरेडी नो देर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. एंड व्हेन वी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कंडक्टर्स तो वी आर स्टडिंग ओनली सॉलिड्स, तो हम यहाँ पे लिक्विड्स और गैसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं. एंड देन यू मस्ट रिमेम्बर, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. ऐसे सॉलिड को आप क्लासीफाई करने के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी यूज करते हो. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, और हाउ डज द मटेरियल बिहेव अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, उसको बोलते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी स्टडी करोगे तो दो टाइप में क्लासिफाई करोगे, इलास्टिक एंड प्लास्टिक. एंड देन यू कैन आल्सो चेंज द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आप चेंज करके देखोगे तो वो होता है थर्मल प्रॉपर्टीज. तो सॉलिड को स्टडी करने के लिए आप टेम्परेचर भी चेंज करके देख सकते हो मटेरियल का, आप फोर्स भी लगा सकते हो, आप बेसिकली करंट भी पास करके देख सकते हो. अगर करंट पास हो गया तो कंडक्टर्स, नहीं हुआ तो इंसुलेटर्स. एंड देन देर आर सम स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल्स इन विच समटाइम्स द मटेरियल विल कंडक्ट एंड समटाइम्स इट विल नॉट कंडक्ट, सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स, अब जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है तो नॉर्मली हमारा फोकस होता है कंडक्टर्स पे, पर हमको कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए. तो वी विल गो थ्रू व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. अब इंसुलेटर क्यों? क्योंकि आगे जाके आज ही एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक होता है इंसुलेटर विथ सम स्पेशल प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहले यू शुड नो व्हाट इज अ कंडक्टर. सो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस और मटेरियल्स विच अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, मतलब विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. अब ऐसा होता क्यों है? बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, एनी मटेरियल अल्टीमेटली इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, एंड एटम्स अल्टीमेटली आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस. तो कौन सा मटेरियल कंडक्ट करेगा, कौन सा मटेरियल कंडक्ट नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. जिस एलिमेंट में, एटम में, लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स हो तो नॉर्मली सच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स. क्योंकि ये जो एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नॉर्मली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड सिंस दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, सबको पता है, तुमको भी पता होना चाहिए. इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो दोनों में फोर्स कौन सा है? अट्रैक्टिव. लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा है, फार अवे है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? वीक है. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि इनको थोड़ा सा भी एनर्जी मिला, दे विल बिकम फ्री. अब फ्री होकर जाएंगे कहाँ पे? तो रिमेंबर, ये जो एटम है, दिस एटम इज अ पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस. तो जो भी मटेरियल होगा, जो भी एक आयन का रॉड लिया होगा, वो आयन के रॉड में बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, उसमें से ये एक एटम है. इस एटम का इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो भी गया तो जाएगा कहाँ? इट इज फ्री टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल, एंड हेंस कंडक्टर्स कैन कंडक्ट बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री. बट अगर इंसुलेटर होता तो इंसुलेटर हैज इधर फाइव और सिक्स
और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। टाइटली बाउंड होने का रीजन ये था कि इसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से ये कम है। तो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंसुलेटर, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स इज लेस, एंड सिंस डिस्टेंस इज लेस और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, 1/4 πε0 q1q2 r2। तो अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा है, फोर्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें जितना हीट होता है दैट इज नॉट सफिशियंट टू नॉक आउट दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री है नहीं तो चार्जेस मूव होंगे नहीं, और चार्जेस मूव होंगे नहीं तो करंट मिलेगा क्या? नहीं। तो सच मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स। तो पहले तो बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, एंड रिमेंबर दिस इज वेरी बेसिक थिंग। तो अगर आपको मैंने पूछा हाउ विल यू डिफाइन कंडक्टर्स, तो इजी रहना चाहिए, कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेस और मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, टू पास थ्रू देम। तो यू नो बेसिकली वॉट इज कंडक्टर। अभी ये कंडक्टर ने इलेक्ट्रिसिटी को पास होने क्यों दिया, दैट इज वॉट यू नीड टू एक्सप्लेन, वेरी सिंपल थिंग। तो ऑफकोर्स यू नो दैट इन कंडक्टर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। वो नोट्स में बंद हो गए, वो गायब है वहां से, तो आई होप यू नो इट्स नॉट बंड, इट्स बाउंड, लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस कैन बी फ्रीड इजिली। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू आउट द मटेरियल बट अभी ज्यादा डिटेल में लिखूंगा नहीं, सिंपल। अभी इंसुलेटर क्या है वो बताओ फिर, व्हाट इज इंसुलेटर? इन इंसुलेटर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस। सो इन इंसुलेटर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और ये टाइट बाउंडिंग इसके लिए होगा क्योंकि डिस्टेंस कम है। सो ऑन एन एवरेज इंसुलेटर में वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स ये न्यूक्लियस के पास में होते हैं, डिस्टेंस कम हुआ तो फोर्स बढ़ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है और न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है एंड दैट इज स्ट्रॉन्गर फोर्स बिकॉज द डिस्टेंस इज लेस। तो इन इंसुलेटर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड एंड हेंस कैनॉट बी फ्रीड इजिली एंड हेंस इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। गुड। तो अल्टीमेटली कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स में बेसिक डिफरेंस आता है फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ चार्जेस। इंसुलेटर्स में फ्री चार्जेस अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि फ्री चार्जेस नहीं है तो चार्जेस मूव नहीं होंगे, और चार्जेस मूव नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगा, और कंडक्टर्स में फ्री चार्जेस है तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब दो मटेरियल है, एक में करंट फ्लो होता है एक में नहीं होता है, तो डेफिनेटली दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग बन जाते हैं, सिंपल। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी अलग, इंसुलेटर की अलग। तो हमारा इस चैप्टर में टास्क है टू स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। तो लेट अस सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, और डेफिनेटली इस चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब हम लोग जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स स्टडी करने वाले हैं, दे आर अंडर विच कंडीशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। देखो चार्जेस अगर मूव होने लग गए ना, चार्जेस कब मूव होंगे वही बताता हूँ, थोड़ा सा पहले बता देता हूँ क्योंकि फिर नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। पहले बोला था मूव नहीं हो रहा है, अब बोल रहा है मूव हो रहा है, कन्फ्यूजन का कोई केस नहीं है। लुक, व्हेन आई से कंडक्टर्स डेफिनेटली आई मीन
कि चार्जेस यहाँ पे मूव होंगे, डेफिनेटली 100%, क्योंकि फ्री चार्जेस है। सिर्फ इतना आपको समझना है कि ये जो फ्री चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मूविंग रैंडमली बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट दे गेट ड्यू टू सराउंडिंग हीट। हमने यहाँ पे कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, हमने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री मूव हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मूविंग रैंडमली, और जब रैंडम मोशन हो तो नेट करंट होता है जीरो। ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब नेट करंट जीरो क्यों होता है वो भी समझ लो अच्छे से, वाई नेट करंट इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया होता है यहाँ पे, सम सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन दे क्रॉस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जितना चार्ज नेगेटिव डायरेक्शन में गया उतना ही पॉजिटिव में गया, तो टोटल करंट इज जीरो। तो ड्यूरिंग रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेट करंट इज जीरो। इसका मतलब ये नहीं था कि चार्जेस मूव नहीं हो रहे, चार्जेस आर मूविंग, बट नेट करंट इज जीरो। अब नेट करंट मिलता कब है, तो जब आप इसको एक बैटरी कनेक्ट कर दोगे, तो व्हेन यू कनेक्ट अ सेल और बैटरी, व्हेन यू कनेक्ट अ सेल और अ बैटरी हियर, तो जब एक सेल या बैटरी कनेक्ट करते हो, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वेल बाय द वे, ये मैंने एक बड़ा लाइन दिखाया, एक छोटा लाइन दिखाया, ये क्या होता है प्लस, ये क्या होता है माइनस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल बैटरी, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू, तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल बैटरी। इसको बोलते हो ड्रिफ्ट मोशन। क्या बोलते हैं इसको? ड्रिफ्ट मोशन। तो दैट शुड बी ऑल्सो क्लियर। हमको यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज देखने हैं कंडक्टर के, दे आर अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब तुमने कोई बैटरी वैटरी कनेक्ट नहीं किया है, तो ये याद रखना, क्योंकि तो अगले चैप्टर में, जस्ट अ मिनट, क्योंकि तो अगले चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में यू विल कनेक्ट अ बैटरी, एंड क्योंकि नाम में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एंड देन यू विल गेट करंट। तो अभी फिलहाल के लिए वी आर स्टडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स अंडर विच कंडीशन? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। मतलब वी हैव नॉट कनेक्टेड एनी सेल एनी बैटरी टू इट। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया भी था, जब हमने गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन देखा था, तो इफ यू रिमेम्बर, एक स्पेरिकल कंडक्टर था, इसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था एट थ्री डिफरेंट पॉइंट्स, एक था आउटसाइड, एक था ऑन द सरफेस, एक था इनसाइड। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? जीरो। व्हाई जीरो? बिकॉज देर इज नो चार्ज इनसाइड, मतलब चार्ज है कहाँ पे? सरफेस। तो पहला प्रॉपर्टी है, राइट। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ऑल द चार्ज लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, लाई ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब क्योंकि सारा का सारा चार्ज सरफेस पे है, अंदर कुछ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। तो सेकेंड प्रॉपर्टी, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। गुड। और प्रॉपर्टी नंबर थ्री भी मैंने आपको कल या परसों बताया था, शायद कल बताया था या परसों बताया था, डोंट रिमेम्बर, लेकिन एक क्वेश्चन था जिसमें आपको स्फीयर का पोटेंशियल निकालना था,
तब मैंने आपको बताया था कि स्पीयर का पोटेंशियल उसके सरफेस पे या फिर एट एनी पॉइंट इनसाइड इस, तो एक प्रॉपर्टी वो भी आएगा, है कहीं पे लिखा होगा, क्या लिखा है बताओ? पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट विथ इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, विथ इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। गुड, राइट। व्हाट अबाउट, चलो अगला प्रॉपर्टी बताओ, व्हाट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट कैन यू थिंक ऑफ? वेरी गुड। इक्विपोटेंशियल सरफेस जब हमने देखा था तब मैंने और एक चीज बताई थी, तो जो कुछ हमने अब तक पढ़ा है वही प्रॉपर्टीज बनते जा रही है। हमने पहले बोला था कि सारा का सारा चार्ज होता है सरफेस पे, तो पहला प्रॉपर्टी बन गया। फिर हमने बोला कि कोई चार्ज सरफेस पे अंदर नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज जीरो, वो सेकेंड प्रॉपर्टी बन गया। फिर हमने देखा था एक क्वेश्चन जिसमें था कि पोटेंशियल एट द सरफेस और इनसाइड इज कॉन्स्टेंट, मतलब इज सेम एवरीवेयर, तो तीसरा बन गया। एक भी पोटेंशियल सरफेस अगर आपको याद होगा तो वहां पे एक स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पे एक पॉइंट वही लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो वो चौथा पॉइंट बन गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और एक पॉइंट था, तो इन 11th स्टैंडर्ड आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट टॉपिक में तीन टाइप के डेंसिटी डिफाइन किए थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हो या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हो, तो उसमें दो टाइप की डेंसिटी आती है, एक होती है यूनिफॉर्म, एक होती है नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वायर है और वायर के हर मीटर में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज हो, उसको बोलते हो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अगर मेरे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के हर यूनिट एरिया में, मतलब हर 1 मीटर स्क्वायर में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हो, तो क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ऐसा हो सकता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म है, ऐसा भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म है। ऐसा हो सकता है कि एक यूनिट एरिया में ज्यादा चार्ज है कंपेयर टू दूसरा यूनिट एरिया, ऐसा हो सकता है कि 1 मीटर में ज्यादा चार्ज है दूसरे मीटर में कम चार्ज है। तो लास्ट पॉइंट वही होगा, क्या लिखा है देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट, मतलब मे और मे नॉट बी यूनिफॉर्म। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अ कंडक्टर, ऑफ अ कंडक्टर मे और मे नॉट बी कॉन्स्टेंट। अब ऐसा हम सब ये प्रॉपर्टीज क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आने वाले टॉपिक्स में सारे प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, तब जाके कुछ टॉपिक समझ में आएंगे। तो इसके इमिडिएटली बाद होगा फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। तो अभी ये फ्री चार्जेस और बाउंड चार्जेस क्या होता है, क्योंकि हमको हमारा अल्टीमेटली एम है टू अंडरस्टैंड डाइलेक्ट्रिक्स एंड इंसुलेटर्स। अगला उसके अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो डाइलेक्ट्रिक समझने के लिए पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। और पता ही है आपको, यू नो ऑलरेडी व्हाट आर फ्री चार्ज एंड बाउंड चार्जेस। इन अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस है जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 और 2 और 3। तो जो लास्ट शेल के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड, और क्योंकि वो लूजली बाउंड है दे बिकम फ्री इजिली।
एंड दे कैन स्टार्ट मूविंग थ्रू आउट द कंडक्टर, इसको बोलते हो फ्री चार्जेस, डन। लेकिन हर एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन गया, रिमेम्बर रिमेम्बर व्हेन यू टॉक अबाउट कंडक्टर्स, बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि हमारे पास इस कंडक्टर में एटम्स थे, हर एक एटम के पास न्यूक्लियस भी है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो फ्री होते नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो एक हाथ दूसरा फ्री होगा, तो बाकी क्या रह गया फिर, ये क्या बोलते हैं उसको, याद है पॉजिटिव आयॉन्स, उसको पॉजिटिव आयॉन्स क्यों बोलते हैं वो याद है, बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सेम, हेंस एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब कोई भी एटम देख लो, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन, लिथियम तीन प्रोटॉन, तो ऑन एन एवरेज इन जनरल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही। अब जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, सपोज एक हमारे पास एक मटेरियल था जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स थे 11 प्रोटॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे और प्रोटॉन कितने बचे, तो ज्यादा चार्ज कौन सा है, तो उसको क्या बोलोगे, पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन्स में होता क्या है, एक तो न्यूक्लियस पूरा का पूरा है और साथ में बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं हुए। अब वेरी ऑब्वियस, इसके पास पूरा न्यूक्लियस है और आपको पता है मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम कम्स फ्रॉम न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस इज वेरी हेवी बल्कि। अब क्योंकि जो पॉजिटिव आयॉन्स है दे आर वेरी हेवी, तो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मूव कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, और मूव कौन नहीं होता है, आयॉन्स। तो जो मूव होता है उसको क्या बोलते हो, फ्री चार्जेस, और जो मूव नहीं होता है उसको क्या बोलते हो, डन। तो दीज आर बाउंड चार्जेस, तो ये पता होना चाहिए। सो इन अ कंडक्टर, बहुत सिंपल, इन अ कंडक्टर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस एंड हेंस कैन बी फ्रीड इजिली। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फ्री चार्जेस, आर नोन एज फ्री चार्जेस। और मैंने आपको अभी अभी बताया थोड़ा टाइम पहले कि रैंडम मोशन और ड्रिफ्ट मोशन में डिफरेंस क्या है, तो वापस एक बार समझा देता हूँ। हमारे पास कंडक्टर था, इस कंडक्टर को हमने अभी तक कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट नहीं किया है, फिर भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्यों है, क्योंकि थर्मल एजिटेशन, थर्मल मतलब हीट की वजह से, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, फ्री, करेक्ट। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू आउट दिस मटेरियल, बट द मोशन इज रैंडम, हेंस नेट करंट इज जीरो। लेकिन जैसे ही तुमने बैटरी कनेक्ट किया, तो जब बैटरी कनेक्ट करते हो तो होता क्या है, होता यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अब रैंडम मोशन के साथ साथ, रैंडम मोशन तो अभी भी है, रैंडम मोशन स्टिल देयर, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आयोन्स भी थे, तो भूलो मत यहाँ पे आयोन्स भी है। तो वाइल परफॉर्मिंग रैंडम मोशन दिस इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो कोलिजन विथ आयोन्स, तो ये कोलिजन करते 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 कहाँ से कहाँ मूव होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल, इसको बोलते हो ड्रिफ्ट मोशन। और आपको याद होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल, 10⁻⁴, 10⁻³ या 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड होता है वो। और रैंडम वेलोसिटी इज वेरी हाई, 10⁶ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है वो। तो 10⁻³ -⁴ मीटर पर सेकेंड इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड 10⁵ +6 मीटर पर सेकेंड इज रैंडम वेलोसिटी, राइट। तो ये जो फ्री चार्जेस है, फ्री चार्जेस इन अ कंडक्टर दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, गुड। बट इन इंसुलेटर्स ये ड्रिफ्ट मोशन होता नहीं है क्योंकि चार्जेस फ्री नहीं है, सिंपल। वेल बाय द वे हमको फिलहाल इंसुलेटर की बात नहीं करनी, हमको बात करनी थी
फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस की। अब ये बाउंड चार्जेस क्या है वो बता दो, राइट क्या है बाउंड चार्जेस? द पॉजिटिव आयोन्स विच कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर हैवी एंड हेंस कैनॉट मूव, मतलब दे आर फिक्स्ड एंड हेंस दे आर फिक्स्ड। तो मैं बोलूंगा हेंस कैनॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड दिस पॉजिटिव आयन्स आर नोन एज बाउंड चार्जेस। दिस पॉजिटिव आयन्स आर नोन एज बाउंड चार्जेस। तो कभी भी कंडक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में फ्री चार्जेस के वर्ड सुनोगे तो इलेक्ट्रॉन्स और बाउंड चार्जेस सुनोगे तो पॉजिटिव आयन्स। गुड, तो दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। अब अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। आज और कल का मोस्टली थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी लिखना भी आपको सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर होता है। फिर आप बोलोगे जब डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है तो फिर उसको नाम क्यों चेंज कर दिया? इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और सब्सटेंस विच इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कैपेबल इन जनरल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जनरली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल चार्ज स्टोर नहीं कर पाता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डाइलेक्ट्रिक्स ये ऐसा सब्सटेंस है तो वो इंसुलेटर, बट इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इंसुलेटर में भी दो टाइप आ गए, एक है विच आर नॉट कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वन विच आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स which can be used to store what? Electrical energy. अभी exactly होता कैसे है? That is very interesting. देखो normally in any substance, you know, कोई भी substance हो अगर वो molecule से बना है तो उसमें भी atoms होंगे। मतलब ultimately base ऑफ अ सब्सटेंस इज एटम, करेक्ट? ये जो डायलेक्ट्रिक है ये भी सब्सटेंस है, तो ये बना किससे होगा? मॉलिक्यूल से। नाउ व्हाट हैपेंस इज जब आप डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक तो उसके जो पॉजिटिव चार्जेस है और उसके चार्जेस है दे गेटिंग सेपरेटेड। सो व्हेन अ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस is kept in an external electric field, their positive and negative charges get displaced in opposite direction. Positive charge agar left right mein jayega, right? So when the substance is kept in an external electric field, their positive and negative charges, क्या करते हैं positive negative charges? Gets separated, मतलब gets displaced in opposite direction. Because the thing is, the question here was, how come an insulator is capable of storing electrical energy? ये बहुत एक basic question है, पता होना चाहिए। हमने कल एक question solve किया था
वर्क डन, याद है वर्क डन, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, याद है फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला पीई कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस, व्हाट वाज पी? डाइपोल मोमेंट. व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? क्यू इंटू 2L, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. मतलब डायपोल मोमेंट वहां वहां होगा जहां जहां पे कौन होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल. इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब सेपरेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड, तो कनेक्ट करो कनेक्ट, क्योंकि जब कनेक्ट करते हो तब ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ में आती है. अब बताने को तो मैं 2 मिनट बता खत्म कर दूं. हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है वो तो समझ लो. अभी तुमने ही बोला, मैंने नहीं बोला, आपने बोला. क्या बोला? वर्क डन इज, आगे का मुझे इंटरेस्ट नहीं, नंबर आई डोंट केयर, कॉस्ट ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस्ट ऑफ एंगल आई डोंट केयर, लेकिन वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. मतलब जहां पे डाइपोल मोमेंट है वहां पे कौन है, और इसी पोटेंशियल एनर्जी को तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला है. बराबर, यहां तक क्लियर ये? लेकिन डाइपोल मोमेंट कहाँ है? जहां डाइपोल है. और डाइपोल क्या होता है? सेपरेशन ऑफ इक्वल बट राइट. नाउ कमिंग बैक टू दिस स्टेटमेंट जो मैंने अभी लिखा, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस मतलब इंसुलेटर इज केप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन. इन जनरल वो चाहे मॉलिक्यूल हो या वो एटम हो, अगर एटम है तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे आर इन इक्वल अमाउंट, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन. अब जब मॉलिक्यूल बनेगा तो मॉलिक्यूल भी किससे बनेगा? एटम से बनेगा. मतलब काट साट के बात वही हो गई कि मॉलिक्यूल में भी स्टोरी सेम है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. यहाँ तक क्लियर? तो जब मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, तो अगर 10 कूलम पॉजिटिव है तो 10 कूलम सेपरेट हो रहे हैं, तो यू हैव इक्वल बट अपोजिट चार्जेस, तो क्या बन गया? वो डाइपोल. और जहां जहां पे डाइपोल है वहां वहां पे डायपोल मोमेंट है, और जहां जहां पे डायपोल मोमेंट है वहां वहां क्या शोर होता है? दैट इज वाई इवन डाइलेक्ट्रिक्स कैन ऑल्सो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो व्हेन अ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस गेट्स डिस्प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन एंड हेंस दे डेवलप, एंड हेंस दे डेवलप इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और जहां डायपोल मोमेंट है वहां एनर्जी स्टोर होता है. दैट इज द बेसिक आइडिया. गुड, क्लियर? अब अगर हम एक एटम की भी बात करते हैं, तो वी ऑलरेडी नो एनी एटम हैज प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस एंड हैज इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज. याद है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट? यस, तो हमको आगे जाके डिफाइन करना है समथिंग कॉल्ड एज पोलार डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक. तो पोलार और नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक के लिए पहले बेसिक आइडिया ये पता होना चाहिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द नेगेटिव चार्जेस, ऑफ ऑल द नेगेटिव चार्जेस इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इज द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज बोलना बेटर. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस के अंदर और कौन है? तो सेम, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज. याद है क्या सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट? हमारे पास बहुत सारे मासेस थे, द पॉइंट एट विच द होल मास, या फिर द पॉइंट एट विच द मास ऑफ द सिस्टम इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इज नोन एज सेंटर ऑफ मास.
थोड़ा इमेजिन करो, हमारे पास एक एटम है, एटम में नेगेटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस का मास है, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स के मास का एक सेंटर ऑफ मास होगा, उसको क्या बोलोगे, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो द सेंटर नेगेटिव चार्जेस मतलब कौन से चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स, और पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन, प्रोटॉन्स। तो सिमिलरली द सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, ऑल द पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इज द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, गुड। तो हम लोग नेगेटिव चार्ज में सेंटर किसको मानते हैं, किसको इमेजिन करते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज सेंटर ऑफ मास किसको लेते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसमें सेंटर ऑफ मास लिया क्यों, क्योंकि अगर मेरे पास एक एटम है जिसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम लोग 50 इलेक्ट्रॉन को लोकेट करेंगे क्या, तो बेटर इज टू लोकेट सेंटर ऑफ मास। इफ आई हैव 50 प्रोटॉन, विल आई बी एबल टू लोकेट सेंटर ऑफ ईच ऑफ दिस 50 प्रोटॉन, तो व्हाट इज बेटर टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे समझ में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलार डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बाय डिफाइनिंग व्हाट इज पोलार डाइलेक्ट्रिक। अब ये जो मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, एंड रिमेम्बर अगर उन मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड नहीं करता है तो उसको बोलते हो पोलार डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो लिखा होगा उसमें द सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज डू नॉट को इंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज इज नोन एज पोलार मॉलिक्यूल, एंड अ सब्सटेंस विच इज मेड फ्रॉम पोलार मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पोलार डाइलेक्ट्रिक। द सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ विथ सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस चार्जेस इज नोन एज, तो मॉलिक्यूल बोल दो इसको, द मॉलिक्यूल इन विच द मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड इज नोन एज विच डायरेक्ट विच मॉलिक्यूल पोलार मॉलिक्यूल, एंड अ सब्सटेंस मेड फ्रॉम मेड अप ऑफ विच मॉलिक्यूल्स पोलार मॉलिक्यूल्स इज नोन एज पोलार डाइलेक्ट्रिक इज नोन एज पोलार डाइलेक्ट्रिक। तो पोलार मॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, सेपरेटेड है, और जहां जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी सेपरेटेड हो वहां पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। तो लिखा होगा सच मॉलिक्यूल्स हैव अ डाइपोल मोमेंट ऑफ 10^-30 कूलम मीटर। सो दीज मॉलिक्यूल्स एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो नोन एज टाइनी डाइपोल्स। सो दीज मॉलिक्यूल्स विच आर नोन एज टाइनी डाइपोल्स हैज डाइपोल मोमेंट ऑफ रफली रफली 10^-30 कूलम मीटर, गुड। अब एक पोलार मॉलिक्यूल होता है, एक नॉन पोलार होता है, तो हमको दोनों में डिफरेंस बताना है। तो सिंबॉलिकली हम लोग पोलार मॉलिक्यूल के लिए क्या करते हैं, वी यूज अ एलिप्सॉइड शेप,
और इस इलिप्सॉइड शेप में एक एंड पे हम दिखा देते हैं नेगेटिव और एक एंड पे दिखा देते हैं हम लोग पॉजिटिव। मतलब इट मींस कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑलरेडी सेपरेटेड है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, डायपोल मोमेंट। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ सच मॉलिक्यूल आर HCl, H2O। तो कल ही बताया था, कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, H2O का, H2O, NH3, अमोनिया, NH3, CH3, और CH3 भूल गए, और CH4, और CH3। तो ये जो CH3 NH3 होते हैं, यू नो व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हियर, टेट्राहेड्रल। हाँ अभी तो मैंने सिर्फ, मैंने तो अभी तक सिर्फ शेप पूछा, मैंने बॉन्ड एंगल पूछे नहीं। व्हाट व्हाट इज द शेप ऑफ सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चेक करो एंड देन विल सी लेटर, बॉन्ड एंगल की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये सच टाइप मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पता होना चाहिए इसका ज्योमेट्री क्या है। अब वो ज्योमेट्री तो आप खुद देखोगे कि दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट वॉट यू शुड नो इज दीज आर नॉट लीनियर मॉलिक्यूल्स, नॉन लीनियर। तो बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स नॉन लीनियर होते हैं दे आर विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, पोलार मॉलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दैट वी नीड टू नो इज नॉन पोलार मॉलिक्यूल। तो हाउ विल यू डिफाइन व्हाट आर नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। पोलार मॉलिक्यूल्स में क्या था, द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड। यहां पे क्या होगा, सो द मॉलिक्यूल्स इन विच, द मॉलिक्यूल्स इन विच, इन विच, इन विच, इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, कोइंसाइड आर नोन एज, आर नोन एज, क्या बोलोगे इसको, आर नोन एज नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। तो सिंस, क्योंकि यहां पे इन दिस केस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो विल इट हैव नेट डाइपोल मोमेंट, नो। तो सच मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट। तो इन दिस केस बिकॉज देयर इज नो नेट डाइपोल मोमेंट, यहां पे डाइपोल मोमेंट नहीं है, वो कब आएगा वो बाद में देखेंगे, बट सच मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव नेट डाइपोल मोमेंट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था, H2N2O2CO2, ये CO2 क्यों, बिकॉज इट इज लीनियर मॉलिक्यूल। तो एग्जाम्पल ऑफ सच मॉलिक्यूल इज सिंपल, CO2, N2, H2, O2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स है दे आर नॉर्मली नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स। एंड टू रिप्रेजेंट नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स हम लोग क्या करते हैं, एक स्फीयर लेते हैं, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वहीं पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर यहां तक, गुड। तो हाउ डू डिफाइन पोलार डाइलेक्ट्रिक, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज do not coincide is known as polar molecule, and a substance which is made from polar molecule is known as, and how do you define non-polar dielectric, molecules in which center of mass of positive charge and mass of negative charge coincide are known as non-polar molecules, and a substance made from non-polar molecule is known as
नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक। गुड, एग्जाम्पल ऑफ ईच, पोलार के एग्जाम्पल, पोलार के H2O, HCl, NH3, नॉन पोलार CO2, N2, H2O2, राइट। देन यू विल सी, इसके बाद एक टॉपिक है पोलराइजेशन। अभी हमने पोलराइजेशन पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक। इफ यू रिमेम्बर, यहाँ पे एक स्टेटमेंट था, मैंने आपको बताया कि डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, इंसुलेटर। और जब ये डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। दिस सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज पोलराइजेशन। सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज पोलराइजेशन। सेपरेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज नोन एज पोलराइजेशन। सो नाउ वी वॉन्ट टू सी वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक। तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं लेटेस्ट से नॉन पोलर से। तो लेटेस्ट हैव अ लुक एट वॉट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों ही टॉपिक, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। सबसे पहले तो ये बताओ, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होता है कि नहीं होता है? होता है। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब है। सो वी हैव अ रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक एंड एज यू ऑलरेडी नो, इसमें जो मॉलिक्यूल्स है दैट वी विल नॉर्मली रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ स्पीयर्स। और ये जो स्पीयर्स है, इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेम जगह पे दिखाएंगे। तो व्हाट हैपेंस इज, जब तक आपके पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सो देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। सो अनलेस यू हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, व्हाट डू यू सी, हर एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इज एट द सेम पॉइंट। मतलब ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी डायपोल मोमेंट। तो अगर मॉलिक्यूल के पास ही डायपोल मोमेंट नहीं है तो सब्सटेंस के पास होगा क्या? तो व्हाट इज नेट डायपोल मोमेंट? जीरो। बट व्हेन यू प्लेस दिस इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या किया, हमने इसको एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड From positive charge to negative charge. So I'll call this as external field, E external, positive to negative. इसका मतलब ये भी होता है कि ये जो आपके पास rectangular slab था उसका एक side is positive and the other side is negative. तो ये जो center of mass था किसका, positive charge का, वो किस तरफ attract होगा? कहा? Negative. So what will start happening is, तो जहां पे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही था, अब पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड टुवर्ड द नेगेटिव फेस, मतलब टुवर्ड्स द राइट, एंड नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे भी वैसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। और इसको अभी आप डंबल शेप से दिखाओगे, क्योंकि अब ये जो आपके पास क्या था, ये इसका क्या हो गया, पोलराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हेन यू कीप अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्जेस ड्रिफ्ट टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब टू इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड नेगेटिव चार्जेस ड्रिफ्ट टुवर्ड्स अपोजिट, मतलब इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, राइट। तो अब चार्जेस
का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का सेंटर क्या हो गया? सेपरेट। तो उसको क्या बोलते हो, क्या बोलते हो उसको? तो दैट इज वाई व्हेन यू कीप अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट बिकम्स पोलराइज। और जहां जहां पे पोलराइजेशन हो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और जहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो वहां क्या शुरू होता है? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर यहां तक? गुड। अब सेम टॉपिक है फॉर पोलर डाइलेक्ट्रिक, एंड डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू इट इज प्योरली थ्योरेटिकल, तो मैं थ्योरी लिखने के चक्कर में नहीं आऊंगा। आई विल नॉट राइट डाउन थ्योरी हियर। वी विल जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द मटेरियल। तो ये क्लियर हुआ क्या? तो इन एब्सेंस ऑफ, इस पे क्वेश्चन आता है नीट में खासकर, तो स्पेसिफिकली फॉर नीट एंड ऑल्सो फॉर सीईटी। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक इज जीरो। गुड। तो टेल मी, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर डायलेक्ट्रिक इज नॉन जीरो। यहाँ पे कर दिए गड़बड़। दैट इज वाई थियरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? आई टेल यू वेरी सिंपल। सपोज हमारे पास एक पोलार डाइलेक्ट्रिक होता, तो आपको तो पता ही है कि पोलार डाइलेक्ट्रिक किससे बनता है, किससे बनता है, कौन से मॉलिक्यूल से बनता है? पोलार मॉलिक्यूल से। और पोलार मॉलिक्यूल में ऑलरेडी चार्जेस क्या है? सेपरेटेड। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दे आर ऑलरेडी सेपरेटेड। मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है? डायपोल मोमेंट। तो पूरे सब्सटेंस के पास क्या होना चाहिए? होना चाहिए, होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? थिंक थिंक। यू आर राइट, आपने बोला होना चाहिए, होता नहीं है, तो क्यों नहीं होता है? थिंक थिंक थिंक। जब तक सोचोगे नहीं तब तक समझेगा नहीं। इसका आंसर आपको हिंट दे रहा हूं, चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11। व्हाट वाज चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11? मैथमेटिकल मेथड्स, मतलब वेक्टर्स। ज्यादा फोकस तो वेक्टर्स पे था ना, कैलकुलस थोड़ा सा पार्ट था, राइट? तो हिंट इज देयर, वेक्टर्स। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स विच आर ओरिएंटेड रैंडमली? जीरो। तो अगर हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स हो जिनका रैंडम डायरेक्शन हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है? और मैंने अभी अभी पूछा आपसे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है कि वेक्टर है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पी इक्वल टू क्यू इंटू 12, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? स्केलर और वेक्टर? वेक्टर। तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पे ये जो बहुत सारे पोलार डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स है, तो ये पोलार डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स आर लाइक वेक्टर्स। क्यों वेक्टर्स? क्योंकि हर एक में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेटेड है, और हर एक का डाइपोल मोमेंट क्या है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सबका मिला के जीरो होने के लिए कंडीशन तुमने बताया क्या है? ऑल द वेक्टर शुड बी रैंडमली ओरिएंटेड। अब ये बताओ कि ये ऑल द डाइपोल्स व्हाई विल दे बी रैंडमली ओरिएंटेड? यू यूज कंडक्टर्स इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर, बराबर ना? कि उसको 0 डिग्री पे लेके जाते हो, बाद में यूज करते हो, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर में यूज करते हो तो सराउंडिंग में क्या होता है? हीट। और वो हीट किसको मिलता है? मॉलिक्यूल्स को। और हीट इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी, तो वो एनर्जी लेके खुद को रीओरियंट, मतलब रैंडमली ओरियंट कर लेते हैं। इसको बोलते हैं थर्मल एजिटेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो ऐसा लिखा होगा, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ऐसा कहीं तो लिखा होगा, लिखा है क्या? यस। तो बिकॉज ऑफ थर्मल एजिटेशन, इवन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इवन दो ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल हैड नेट डाइपोल मोमेंट, बट द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस मॉलिक्यूल वॉज रैंडमली ओरिएंटेड, एंड ड्यू टू दिस रैंडम ओरिएंटेशन, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस इज जीरो, राइट?
तो याद रखो, इवन दो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इवन दो दिस मटेरियल वॉज मेड अप ऑफ पोलार मॉलिक्यूल्स, हर एक मॉलिक्यूल के पास नेट डायपोल, हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट था, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू थर्मल एजिटेशन ऑल दिस टाइनी डायपोल्स, एक एक वर्ड जो मैंने पहले यूज किया था, मैंने क्या बोला था, दीज आर कॉल्ड एज टाइनी डायपोल्स। तो सिंस दिस टाइनी डायपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड वी नो दैट फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 of 11 दैट व्हेन यू हैव रैंडमली ओरिएंटेड वेक्टर्स द रिजल्टेंट इज जीरो, हेंस द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। मतलब डायलेक्ट्रिक पोलार हो या डायलेक्ट्रिक नॉन पोलार हो, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट इज नेट डायपोल मोमेंट, जीरो। याद रखना इतना बेसिक क्यों, आगे कैपेसिटर नाम का चीज चालू होने वाला है कल, और जिनको डायलेक्ट्रिक ही नहीं पता, कैपेसिटर में दो कंडक्टर के बीच में डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो, जब तक तुमको यही नहीं पता तो आगे समझ में नहीं आएगा, तो यू हैव टू पुट दिस इनटू योर ब्रेन समहाउ। अब व्हाट हैपेंस इफ आई, अगर हमने इस पोलार डायलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो व्हेन यू प्लेस दिस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड थे ना, ये जो रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स थे, दे स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा होने का सिंपल सा रीजन था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अलाइन हो जाएंगे, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑल दिस टाइनी डायपोल्स ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू हैव पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन द वन साइड एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर साइड, एंड देयरफॉर जैसे यहाँ पे हुआ था, एक साइड पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेट डायपोल मोमेंट, वैसे ही यहाँ पे हुआ नेट डायपोल मोमेंट। सो बोथ द टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक्स हैव नॉन जीरो नेट डायपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैव जीरो डायपोल मोमेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, तुम नॉन पोलार मॉलिक्यूल्स यूज करो या फिर तुम पोलार मॉलिक्यूल यूज करो, दोनों के लिए एग्जैक्टली सेम है। मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिखे, HCl, H2O, N2O2, CH3, डजेंट मैटर, यू कैन यूज इधर ऑफ देम बिकॉज फिजिक्स इज मोर और लेस सेम फॉर बोथ। सिर्फ डिफरेंस था कि इंट्रिंसिकली हर एक मॉलिक्यूल के पास डायपोल मोमेंट जीरो था, यहाँ पे हर एक के पास डायपोल मोमेंट नॉन जीरो था। यहाँ पे हर एक मॉलिक्यूल के पास जीरो था तो सब्सटेंस के पास जीरो था, यहाँ पे हर एक के पास नॉन जीरो था लेकिन रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से सब्सटेंस के पास जीरो है। यहाँ पे जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो यहाँ पे पोलराइजेशन होना शुरू हुआ, चार्जेस सेपरेट होना चालू हुए, वहां पे ऑलरेडी सेपरेटेड थे बट दे स्टार्टेड अलाइनिंग देमसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, राइट, क्लियर। अब इससे और एक चीज होती है जो अगला टॉपिक है, रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखा है ऐसा कुछ, रिडक्शन क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो हाँ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, कम होना। नाउ टेकिंग द प्रीवियस एग्जाम्पल, ये दोनों के दोनों 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 केस में सेम स्टोरी है। व्हाट हैपेंस इज, देखो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया यहाँ पे भी और वहां पे भी, तो क्या होगा अब आगे, बहुत इंटरेस्टिंग। तो जब आप, और एक चीज हमेशा याद रखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू, तो ये भूलना नहीं, ये भूल गया तो अगला टॉपिक समझ में आएगा नहीं। दोनों ही केसेस में, चाहे आपके पास पोलार डायलेक्ट्रिक है या फिर आपके पास नॉन पोलार डायलेक्ट्रिक है, इन बोथ द केसेस हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, सम वैल्यू, कुछ एक वैल्यू होगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक रखा, चाहे वो
नॉन पोलार हो या फिर पोलार हो। होता क्या है, एक फेस बन जाता है, दूसरा बन जाता है यहाँ पे भी और वहां पे, राइट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था? लेफ्ट टू। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे कौन से चार्जेस जमा हो गए? पॉजिटिव। और दूसरे फेस पे तो, लेकिन अभी तुमने ही बोला व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। इसको बोलते हो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो डू यू अंडरस्टैंड, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो था बहुत ज्यादा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? कम। क्यों? क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था लेफ्ट टू राइट मे बी 10 न्यूटन पर कूलम, और अंदर जो है ड्यू टू पोलराइजेशन इट इज मे बी 8 न्यूटन पर कूलम। तो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड? बाहर कितना था? 10, अंदर कितना है? 8। बाहर था लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे है राइट टू लेफ्ट, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक? ई एक्सटर्नल माइनस, माइनस हुआ कि प्लस हुआ? माइनस हुआ ना, इसके लिए क्या बोला इसको? रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो चाहे वो डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलार हो या फिर पोलार हो, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, एक साइड हो गया पॉजिटिव, दूसरा साइड हो गया नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल था लेफ्ट टू राइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डेवलप हो गया राइट टू लेफ्ट ड्यू टू पोलराइजेशन। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, अंदर कम है, क्योंकि अंदर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का श्योर? तो अभी अगर आपको इतना पता है, देन आई कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर। जस्ट मैंने बोला इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस तो सिर्फ आज इंट्रोड्यूस होगा। आई नो ज्यादा हैवी हो जाएगा, ज्यादा हैवी खाया तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, वैसे ज्यादा हैवी हो गया तो समझने का दिक्कत हो जाएगा आपको। तो वी विल फर्स्ट इंट्रोड्यूस व्हाट इज कैपेसिटर, वी विल जस्ट डिफाइन इट टुडे। तो हु कैन टेल मी व्हाट इज अ कैपेसिटर? इट इज अ, ओके, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फाइन, व्हिच आई वांट टू नो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ कैपेसिटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेसिटर? बस बाकी मुझे कुछ नहीं और ज्यादा सुनना, वो धीरे धीरे जाएंगे। व्हाट इज अ कैपेसिटर? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर? हाउ डू यू मेक द सिंपलेस्ट पॉसिबल कैपेसिटर? टू पैरेलल प्लेट्स। तो कैपेसिटर का मतलब होता है हमारे पास दो कंडक्टर्स है, वी हैव टू कंडक्टर्स। देखो लिखा है डेफिनेशन में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और, वेरी गुड। तो अब समझ में आया कि डाइलेक्ट्रिक क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो कैपेसिटर का सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, कैपेसिटर इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, इसको बोलते हो कैपेसिटर। और कैपेसिटर करता क्या है? कैपेसिटर कैपेसिटर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। द कैपेसिटी, अभी देखो कैपेसिटेंस नाम का एक चीज डिफाइन करोगे, जैसे इफ आई आस्क यू व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वैसे ही हमको एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस डिफाइन करना है विच इज 1 फैरेड। लेकिन कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट डिफाइन करने से पहले कैपेसिटेंस क्या है वो पता होना चाहिए। आपको पता है कैपेसिटर क्या है? पता है? इट इज सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पैरेलल वर्ड मत यूज करो फिलहाल, टू कंडक्टर्स।
अब पहले क्यों नहीं यूज करो तो बताता हूँ। पहले बताओ, इट इज सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड बाय डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर। अब ये पैरेलल वर्ड क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि ये एक टाइप है कैपेसिटर का जिसको आप बोलते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसमें दो प्लेट होती है, एक प्लेट और दूसरा प्लेट, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और एक टाइप का कैपेसिटर भी होता है जिसको आप बोलते हो स्पेरिकल कैपेसिटर। उसमें होता है एक स्पेरिकल शेल और होता है दूसरा स्पेरिकल शेल। तो दीज आर नॉट पैरेलल, दे आर कॉन्सेंट्रिक, राइट। तो स्पेरिकल कैपेसिटर मतलब इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स सेपरेटेड बाय डायलेक्ट्रिक, राइट। तो पीछे पीछे थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ नहीं चाहिए, अदरवाइज आई स्टार्ट शूटिंग क्वेश्चन ऑन यू। चलो अदरवाइज क्या बता दो अब। तो तीसरा भी होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जिसको कंडेंसर बोलते हो। बोलते ना पंखा बहुत स्लो चल रहा है, फिर वो आता है इलेक्ट्रिशियन बोलता है अरे इसका कंडेंसर उड़ गया, तो वो कंडेंसर मतलब होता है कैपेसिटर। तो मुझे बताओ एनी वन ऑफ यू, लास्ट थ्री बेंचेस एंड लास्ट बट वन फ्रॉम दैट साइड, आप आठ लोगों में से एनी वन ऑफ यू शुड टेल मी व्हाट इज दैट कंडेंसर, व्हाट इज द शेप ऑफ दैट कंडेंसर, क्या होता है शेप? सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे शेप क्या है? स्फेरिकल। यहाँ पे क्या है? पैरेलल प्लेट। इसको बोलते हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको बोलते हो स्फेरिकल कैपेसिटर, उसको बोलते हो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। जैसे यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक है तो वहां पे को एक्सियल होगा। तो उस केस में व्हाट यू विल हैव इज यू विल हैव टू सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग शेल, टू, एक इनर और एक आउटर, और इन दोनों का एक्सिस क्या होना चाहिए? सेम। तो क्या बोलोगे? को एक्सियल। एंड दीज टू शुड बी सेपरेटेड बाय व्हाट? डायलेक्ट्रिक। तो डिफाइन कैसे करोगे? अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय डायलेक्ट्रिक और इंसुलेटर, कोएक्सियल, कॉन्सेंट्रिक, पैरेलल प्लेट, कोएक्सियल, कॉन्सेंट्रिक, पैरेलल प्लेट, स्टेट बोर्ड प्लस सीईटी, यू हैव ओनली दिस, फॉर जेई एंड नीट यू ऑल्सो हैव दिस। तो पता होना चाहिए, और इसके फॉर्मूला हम लोग जेई नीट के क्लास में देखेंगे। बट मोर और लेस ऑल ऑफ दिस डू द सेम थिंग। क्या करते हो? टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो आप बोलते हो ना कंडेंसर, वो ये होता है। कौन सा शेप? गुड, बाकी का कल देखते हैं।